हेलो गाइस, आज मकर सकर सकर मकर संका आज हैप्पी दिवाली हैप्पी खिचड़ी है, उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। हाँ हेलो गाइस, मकर संक्रांति है। ये देखो फेटी फेटा लगा। हाँ हाँ फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपको अपने नए ब्लॉग में। और आज है मकर संक्रांति, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। सर्दी बहुत है, मैं नहा के आई हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही हूँ। पहले जा रही थोड़ा हाथ पैर सेकती हूँ, उसके बाद फिर बनाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें आज बनानी है, जैसे कि दही बड़े बनाऊंगी और एक नया पकौड़ा है उसे बनाना है, फिर गोभी पकौड़े बनाने हैं, फिर खिचड़ी बनानी, बहुत सारी चीज़ें बनानी है, इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ। और मुझे बहुत सर्दी लग रही है, पहले थोड़ी सी आग जलाऊँ, आगता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखो, ये उड़द की दाल के बड़े हैं, और ये जो रखा है ये छोटा वाला, इसमें मूंग की दाल के बनाएंगे। तो ये पहले दही बड़े बन गए हैं ये वाले, तो ये सब इसमें डाल दें ताकि ये अच्छे से फूल जाए और इसमें अच्छे से दही मिक्स हो जाए। पूरे गांव भर के लिए बना है, इतने मेरे घर के भुखड़ लोग हैं, ये सारा खा डालेंगे। इतने में तो पूरा गांव खा ले, लेकिन मेरे घर वालों के लिए नहीं हो पाएगा। और डालो और डालो और डालो, डालते जाओ डालते जाओ। हाँ डालते जाओ, खाते जाओ। बनाने में 1 घंटा लगा, खाने में भी देख लेना 10 मिनट लगेगा। कौन कौन खाएगा सबका मुंह दिखा देना। ये बन गए हैं उड़द वाले, अब इसको बंद करके रख देते। अब ये उड़द वाले बन गए हैं और इसमें बनाएंगे मूंग की दाल के बड़े। ये अलग रख दिया है, गरम गरम इसमें डाल देंगे तो वो फूल जाएगा। इसमें चावल, उड़द की दाल और वो क्या बोलते हैं, चने की दाल का मिक्सर करा है। इसको भी अभी फुलौरी के तरीके बनेगा। बड़े बड़े बीर लगे हैं बनाने वाले। धुआं देख लग रहा है। ये क्या बन रहा है? गोभी की पकौड़ी है। गोभी पकौड़ी? दही बड़े बनते बनते गोभी के पकौड़े क्यों बन रहे हैं? अरे सबको भूख लगी है ना, अभी खिचड़ी बनी नहीं है, ये नाश्ता बन रहा है। नाश्ता बन रहा है, समझ लो खिचड़ी वाले दिन गोभी की पकौड़ी के नाश्ते बन रहे हैं। बनाओ जरा, हम भी देखें। कौन खाएगा? ये मुँह खाएगा, ये वाला ये नहीं खाएगा। देखो ये गोभी के पकौड़े बन रहे हैं। जिसको खाना हो आ जाइए, जिसको खाना हो कमेंट करिएगा, सबके घर में पार्सल कर देंगे। ये मूंग दाल वाला बना है, ये बीमार लोगों वाला है। मतलब ये मम्मी के लिए बनेगा, मम्मी को उड़द की दाल का नुकसान करेगा, इसलिए मूंग की दाल का हमने बना के रख दिया है। ये चावल के आटे का बटर है, मतलब इसमें चावल, उड़द की दाल और चने की दाल को रात में भिगो दिया गया था और इसको सुबह मिक्सी में पीस के ऐसे पतला पतला बटर बना लिया गया है। इसका क्या बनेगा? पकौड़ी बनेगी। इसकी पकौड़ी बनेगी भैया, देखिए कैसे इसकी पकौड़ी बनती है, हमने तो कभी बनाई नहीं, फर्स्ट टाइम बन रही है। सब यूट्यूब वाले दे हो गए भैया, यूट्यूब में देख देख बनाई है खाई है। ये देखिए इसकी बन रही है, ये देखो फूली फूली सी बन रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो कितने अच्छे से फूले फूले बता से जैसे बन रहे हैं, अब इनको पलटना जैसे बस करो बस करो बस करो। दिस इज नॉनसेंस।
इडली नहीं इडला है, खाने की चीज़ है क्या होता है, खाते देखो फिर बताओ कैसा है। ये क्या हो रहा है? ये रवा रवा में खोवा मिला रहे हैं। ये रवा का लड्डू है और ये काहे का आटा है? वो चावल का आटा, उसमें खोया मिल चुका है, उसमें खोया मिल चुका है, इसमें खोया मिलाया जा रहा है और अभी इसमें गरी और मूंगफली के दाने भी मिलाए जाएंगे। और ये देखिए चाशनी भी पक रही है। ये देखिए भैया, ये बन गए मेरे रवा के लड्डू और ये चावल के आटा के लड्डू हैं और ये इतने सारे बन गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ खाने, इसमें दो चार पीस खा लूँगी, सुबह से बना रही हूँ और ये बैठे बैठे खा रही है, देख लो। और मैं भी खाने जा रही हूँ। सो आई होप आप लोगों ने मकर संक्रांति खूब इंजॉय की होगी और सर्दी भी इंजॉय की होगी, हम भी सर्दी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो अभी भी आग के पास में बैठे हैं और अब सब कुछ बना के फ्री हुए, अब जा रहे हैं खाने। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।